हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप जो कमेंट करते हैं उन पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ। कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन है EWS को लेकर, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र या ऑफलाइन प्रमाण पत्र को लेकर, या फिर से हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं क्या? क्योंकि हम पहले से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं, तो डेट्स आई है, तो क्या फिर से हमें अपलोड करने, इस बात को लेकर। ये सारे कन्फ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आप बार बार रिपीट पूछ रहे हैं, EWS क्या नया वाला चाहिए। तो दोस्तों, जब आपने अपलोड किया था EWS, वो वैलिड था, और आपको मालूम है कि जो फाइनेंशली मंथ कहलाता है वो मार्च और अप्रैल कहलाता है, लेकिन मार्च और अप्रैल टोटल लॉकडाउन था, इसलिए जो भी आपके EWS सर्टिफिकेट थे उनकी वैलिडिटी जून जुलाई हो गई थी, क्योंकि ऑफिस अभी खुल रहे हैं दोस्तों। और आपने उस समय जो अपलोड किया था, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन्हें ही वेरिफिकेशन में आपको बताना है मूल प्रति के साथ। यदि आपने नया EWS बनवा लिया है, उसे अपडेट करा लिया है और आप अपलोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पुरानी EWS की फोटोकॉपी और नया EWS आप ले जा सकती हैं। यदि आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप पुराना वाला EWS जो आपके पास ओरिजिनल है उसे लेकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये मैं आपको सरकारी जो आदेश है उसमें क्या दिया गया है उसके आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि जो आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स वही वेरीफाइड होने हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र क्या डिजिटल चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मान है, लेकिन डिजिटल हो तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आगे चल के डिजिटल ही मान होगा। लेकिन इस समय आपने यदि ऑफलाइन वाला भी लगाया है तो वही लेकर आपको ओरिजिनल जाना है, उससे भी आपका हो जाएगा। यदि आपने डिजिटल वाला लगाया है तो बेस्ट है, उससे भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्या फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? जी नहीं, जिन्होंने पहले कर दिए हैं उनको बिल्कुल अपलोड नहीं करने हैं। जो नहीं कर पाए थे, खास तौर से वर्ग दो वाले नहीं कर पाए थे क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था और लॉकडाउन के चलते वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, तो उनको अपलोड करना है। जो वर्ग एक की बात करें, अधिकांशतः अपलोड कर चुके थे अपने डॉक्यूमेंट्स, वर्ग दो की भी बहुत से लोग अपलोड कर चुके थे, तो उन्हें अपलोड नहीं करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि EWS हमें कौन से वाला ले जाना है, तो जो आपने अपलोड किया है दोस्तों वही ले जाना है। इसका मैं आपको गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हैं सिर्फ उनका ही वेरिफिकेशन होना है दोस्तों। तो दोस्तों, काउंसलिंग से संबंधित ये वो आदेश है, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से जारी हुआ था, भोपाल दिनांक 27/1/2020 का आदेश है, जो कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट पर मिल जाएगा। इसमें ही वो नियम दिया गया है, जैसे कि आपका विषय पढ़ेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में, तो इसमें वो नियम दिया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी ही मूल प्रति वेरीफाइड की जाएगी वेरिफिकेशन में दोस्तों। तो वो नियम हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका आप सातवां पॉइंट देख रहे होंगे, विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। सत्यापनकर्ता यानी कि जो वेरीफाइड कर रहा है, सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड यानी कि जो आपने अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन करना है, उनकी जो मूल कॉपी है उसी से सत्यापन करना है। किसी भी दस्तावेज के अनुपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ पत्र आदि को ग्रहण किए जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। यानी आपके पास मूल कॉपी होनी चाहिए उस दस्तावेज की जो आपने अपलोड किया है, यदि वो आपके पास नहीं है तो उसके अभाव में कोई भी शपथ पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है EWS को लेकर कि सर कौन सा EWS जो नया बनवाया है वो, या फिर पुराने वाला, तो EWS का मतलब है कि जो आपने अपलोड किया है, जो अपलोड किया है उसी से आपके मूल कॉपी से सत्यापन होना है, और उस समय वो वैलिड भी था जब आपने अपलोड किया है, तो इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। EWS से और भी जुड़े सवाल थे आपके, उन पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है दोस्तों। ये जो वीडियो है EWS से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, 2020-21 EWS की वैधता कब तक रहेगी, उसका आंसर है इसमें। क्या EWS नया बनेगा, उसका आंसर है। EWS को रिन्यू कैसे कराएं, वो भी मैंने बताया है।
तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें दोस्तों, जो आपने अपलोड किया है उन्हीं मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन होना है और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों, उन्हीं को आपकी मूल कॉपी ले जानी है। तो ये वीडियो एक आपकी हेल्प के लिए है कि बार बार आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, चाहे मैं EWS की बात करूँ, चाहे मैं डिजिटल जो सर्टिफिकेट होते हैं आपके उनकी बात करूँ, और चाहे जो डेट्स आगे बढ़ाई गई है अपलोड की उनकी बात करूँ। तो ये मैंने सब आज क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।